हम आज जो कहानी सुनने वाले हैं इसमें मौरी की एक कहानी है जो इंसान अपने आप से पूछता है कि क्या मैं चाहता हूँ ज़िंदगी से, क्या मैं बनना चाहता हूँ, क्या ज़िंदगी की सच्चाई किस चीज़ में है। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हमें कोई नहीं बताए बट जाननी ज़रूरी है। जब हम अपने जवानी के जोश में या फिर अपने 20s में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट, एक्साइटेड, सबसे भीड़ से अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चलती है और दुनिया में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं सबसे बेस्ट हूँ और आई एम वर्थ इट टू डू एनीथिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। बट क्या हो अगर मैं आपसे आज बात करूँ एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की जो अपने डेथ बेड पे है, मतलब बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं और कुछ जिंदगी की ऐसे कड़वी सच्चाई को खोलने वाले हैं जो हम शायद जवानी के जोश में ना कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दे आर द रियलिटीज। सो इसीलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ आज मौरी की कहानी, जिस बुक का नाम है ट्यूजडेज विद मौरी। इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे मौरी जो अपने डेथ बेड पर है, जो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं, वो ऐसी ऐसी सच्चाई को बता रहे हैं जो हम अपने जवानी के जोश में तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट से आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगी, आपको सोचने पे आपका दिमाग मजबूर करेगा कि मैं इस दुनिया में हूँ क्या, मुझे करना क्या चाहिए, क्या रियलिटी है, क्या मतलब सच्चाई या सच्ची खुशी है क्या। एवरीथिंग विल बी एक्सपोज इन अ डिटेल वे। सो लेट्स गेट डीप इनसाइड द बुक कॉल्ड ट्यूजडेज विद मौरी, विच इज रिटन बाय हिज ओन स्टूडेंट कॉल्ड मिच एल्बम। बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी, बहुत मजा आने वाला है। और आज हम देखेंगे इसके टॉप 5 लर्निंग्स जो अपनी लाइफ में लगा के यू कैन ट्रांसफॉर्म इट। बिफोर स्टार्टिंग द 5 पॉइंट्स, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ थिंग्स अबाउट कैरेक्टर जो भी है इसके अंदर। इसके अंदर एक मौरी है जो कि बहुत ओल्ड एज पर्सन है, जो कि बहुत ही लविंग चार्मिंग पर्सनैलिटी है, जो कि अपनी ज़िंदगी को हर लेवल पे बेस्ट जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अब उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, उनकी बॉडी अब साथ देना छोड़ दिया है, उनके पास उनके बच्चे हैं, उनके लाइफ में वो हैं अभी और उनकी वाइफ भी अभी ज़िंदा है, एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज़ जिसके चक्कर में उनका जीना बहुत लंबा मुश्किल है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है बट इतना हो सकता है लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिच जो कि उनके स्टूडेंट है, बहुत ही क्लोज वन, वो उनको विजिट करते हैं और ये वक्त में मिच काफ़ी बड़े हो चुके हैं, अब उनके लाइफ सेटल है, उनके पास भी उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं और एक खुशहाल दुनिया है। तो मिच भी एक नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं जब मौरी अपनी सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो चलो देखते हैं, द फर्स्ट लर्निंग इज़ दैट जब मौरी बात करते हैं कल्चर के ऊपर, कल्चर पे मौरी कहते हैं कि हर सोसाइटी में एक कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। कल्चर से हम चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे लोगों को फॉलो करना है, कैसे धर्म को अपने मानना है। और कल्चर का मतलब यहाँ पर सिर्फ धर्म से मतलब नहीं है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील करें, लोग को एक दूसरे की ज़रूरत फील हो। और धर्म जब बनाया भी गया था, जब हमारे हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे जुडाइज़म है, कोई भी धर्म है, सबका मकसद तो एक ही था कि ह्यूमैनिटी को एक रखना है, लोगों को एक साथ चलाना है ताकि कोई एक फोर्स हो जो सबको कंट्रोल कर सके, कंट्रोल नहीं कहेंगे, जो एक साथ सबको अच्छे से चला सके, ऑपरेट कर सके बेसिकली। जब कल्चर बनाया गया तो उस पर मौरी कहते हैं कि हमें कल्चर की चीज़ों तो माननी चाहिए बट हमें अपने रूल्स भी कुछ बनाने चाहिए। हमेशा आँख बंद करके कल्चर के रूल्स को मान लेना भी सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी आधुनिक इन्वेंशंस, जितने भी दिमाग को सुन्न कर देने वाले विज्ञान या चीज़ें आई हैं, वो तभी मुमकिन हुआ है जब लोगों ने सवाल किया है, जब लोगों ने अपने कल्चर से बाहर निकल के चीज़ों को चैलेंज किया है, नॉर्म्स को, अपने बिलीव्स को, अपने लिमिटेड थॉट्स को। और यही रास्ता है सच्ची खुशी का, क्योंकि बहुत बार सोसाइटी हमारे लिए बेहतर तो चाहती है, लेकिन आज की दुनिया में बहुत बार सोसाइटी हमें अपनी चीज़ें थोपती है, यही जॉब करो, इसी लड़की से शादी करो, इसी इतना ही पैसे कमाओ, ज़्यादा मत सोचो, सिस्टम के अंदर रहो, क्वेश्चंस मत करो। बट ये रियल खुशी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो, देन यू लर्न हाउ टू हैव सम क्वेश्चंस। इस पर कल्चर पे एक बात और कहते हैं मौरी के, रिग्रेट हर्ट्स मोर देन फेलियर। ये मैं अपने रील्स में मैंने इस पर शेयर किया है दैट जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यस, बहुत लोग को मैं इवन अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ कि दे आर लाइक, काश आदित्य कर लेता मैं, काश ये मेरे साथ हो जाता, काश ऐसा कुछ भगवान कर देते। लेकिन मैं प्राउडली आपसे एक बात कह सकता हूँ कि बिलीव मी, अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से, अपने कंटेंट क्रिएशन से, अपनी चीज़ों से, मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ दैट मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है।
मैंने चाहा तो मैंने बीटेक के बाद अच्छा जॉब किया, मैंने चाहा तो एक अच्छा प्लेसमेंट निकाला एमबीए के बाद, मैंने चाहा जो भी चाहा बॉडी बनाना तो मैंने किया। लोगों ने बहुत मना किया, सप्लीमेंट इतना खाता है, इतना मेहनत करता है, क्या हो रहा है इससे, बॉडी बना के किसको इम्प्रेस करेगा। सो मेनी थिंग्स वर अपॉन मी, बट स्टिल जो मुझे पसंद है वो मैंने किया, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस फॉर मी। आज मैं इतना खुश, इतना सेटिस्फाइड रहता हूँ अपने आप से, लाइक आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू। एंड दिस इज द पावर टू लिव इन द प्रेजेंट, और रिग्रेट को अपने दिल पर नहीं आने देना। तो रिग्रेट कभी नहीं करना है, जो दिल में आता है ज़रूर करें, और कल्चर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें। आप जो करेंगे ना, शुरू में हर कल्चर आपको मना करेगा, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बट यही कल्चर आपको एक्सेप्ट कर लेगा जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत अच्छा करने लगोगे। तो दिल की सुनो और ज़्यादा मत सोचो। सेकेंड, मौरी बात करते हैं डाइंग के ऊपर, जो हम लोग मौत जिससे हम लोग डरते हैं। इस पर ओशो ने बहुत ही प्यारी लाइन कही थी कि जिस दिन हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसी दिन हम जीने लगते हैं। हम सब के अंदर एक कहीं ना कहीं डर तो है मरने का, और मेरे अंदर भी है, झूठ क्यों बोलना। बट मौत को अगर अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे ना हम, तो हम लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। बहुत डरते हैं, अरे मैं तो अब जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, अरे मेरी जवानी खत्म हो रही है, अरे मैं बुढ़ापे में ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। बट हमें ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। इसको आप जब डेथ पे और आप मेडिटेट करोगे तो आप पाओगे कि डेथ तो एक बहुत अच्छा पिक्चर है। एक्चुअली ये डेथ ही है, एक्चुअली ये मौत ही है जो हमें एक्साइट करती है जीने के लिए। जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपकी मौत तय है 80 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, मौत तो तय है, लेकिन तभी आपको जीने का मज़ा आएगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने बुक पढ़ी डेथ के ऊपर, बहुत सारे मेडिटेशन किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मौत मेरी अटल है जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो मैं जिंदगी को खुल के जीता हूँ, हर दिन इतना मेहनत करता हूँ, हर दिन इतना इंजॉय करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई डेथ, और ये तो एक रियलिटी है, मैं इसे भाग तो नहीं सकता हूँ कहीं नहीं, कुछ भी कर लूँ ये होना है। इफ समबडी हैज कम टू दिस प्लैनेट देन ही और शी हैज टू लिव, नो क्वेश्चंस ऑन दैट। तो ये चीज जब आप समझ जाते हो तो आप मटेरियलिस्टिक थिंग में ज़्यादा नहीं फंसते हो। पहले मेरे लिए भी था कि मुझे सबसे बड़ी कार खरीदनी है, सबसे बड़ा दुनिया बनाना है, सबसे बड़े ये। आज मेरा गोल है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल गोल्स, बहुत सारे हैं, बट अटैच नहीं हूँ मैं, और अटैचमेंट मारता है। जैसे कि मान लो अगर आपने ये कार इस समय तक नहीं खरीदी तो आपके दिल में टेंशन हो जाएगा, मेरे दोस्त के पास ये कार है, मेरे ये है वो है। बट मेरे पास है कि मैं ना कॉम्पिटिशन से बाहर रहता हूँ, और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप जिस दिन कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो ना, अपना कॉम्पिटिशन खुद बनाते हो, और लोग आपके कॉम्पिटिशन का पार्ट होना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने अपना दुनिया बनाया है और बहुत खुश रहता हूँ। तो डेथ को एक्सेप्ट कीजिए आप। और मॉरी इस पर एक लाइन ऐड करते हैं, बहुत प्यारी लाइन है, लर्न हाउ टू डाई एंड यू विल लर्न हाउ टू लिव। जिस दिन आपने मरने को सीख लिया उस दिन आप जीना सीख जाएंगे, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड, कोई शॉर्टकट नहीं। और जब आप डेथ को रियलिटी में एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका ईगो भी किल हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, हम अपने ईगो से अटैच क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि हम अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप हो ही नहीं। यस, पहले मुझे भी लगता था कि मैं तो मैं ही हूं ना, बट मैं हूं ही नहीं। जब आप डीप मेडिटेशन के अंदर जाओगे ना, बहुत डीप मोड के अंदर, तो आप रियलाइज करोगे कि आप अपनी बॉडी हो ही नहीं। आपकी बॉडी तो बस एक मशीन की तरह काम कर रही है आपके ब्रेन के ऑपरेशन पे, बट एक्चुअली मैं आप नहीं हूं। तो आपको ईगो कभी रोकेगा ही नहीं। किसी ने बोल दिया, इट्स ओके। किसी ने नीचा दिखा दिया, इट्स ओके। किसी ने आपको अच्छा बुरा कुछ भी कह दिया, यू आर नॉट अटैचिंग दैट, बिकॉज आप जानते हो कि ये ईगो है जो आपको बोलता है मैं, मुझे कैसे किसने बोला, मुझे कैसे नीचा दिखाया। बिलीव मी, जिस दिन आप अपने ईगो से फ्री हो गए ना, यू विल बी अ फ्री विल, यू विल बिकम अ फ्री काइंड ऑफ पर्सन, जिसको बहुत मजा आएगा जीने में, बिकॉज आप हो ही नहीं। तीसरा, मौरी बात करते हैं फॉरगिवनेस पे, लोगों को माफ करने पे। इवन गौतम बुद्धा, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, ओनली ब्रेव कैन फॉरगिव, ओनली ब्रेव कैन फॉरगिव। एक कमज़ोर इंसान या कमज़ोर व्यक्ति कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि आपको जब किसी से आर्गूमेंट होता है, और जो सही में एक समझदार इंसान होगा वो समझता है सिचुएशन को, समझता है चीज़ों को, वो आपको माफ़ कर देता है या सिचुएशन को माफ़ कर देता है। लेकिन एक कमज़ोर इंसान नहीं चाहता, वो चाहता है इस चीज़ों को दिल में रखे हमेशा, एज अ टूल, एज अ वेपन यूज़ करे जब भी उसकी चीज़ें उसके खिलाफ हो। बट ये कहीं लेके जाने वाला नहीं है, माफ़ करना सीखे। मौरी कहते हैं, नॉट ओनली फॉरगिव अदर्स बट ऑल्सो आवर सेल्व्स वॉट वी डिडंट अचीव। कब तक रिग्रेट रखने की से या जो भी करेंगे उससे चीज़ें अच्छी होंगी, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो मौरी इस पर याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। लोगों को तो माफ़ कर दोगे, चलो अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए, बट सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए। वी मस्ट फॉरगिव आवर सेल्फ।
अगर आपने अपने आप को माफ करना सीख लिया तो फिर आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे मान लो कि आप आज अगर 30 साल के हो या 25 साल के हो या 20 साल के हो और अपने पास्ट को सोच के आप देखते हो, यार मेरे दोस्त इतने साल में इतना अच्छा चले गए, मेरे फ्रेंड्स का अच्छा लाइफ है, दे आर मैरिड एंड ऑल, तो आप अपने आप को सजा दे रहे हो। बट आप अपने आप को माफ कर सकते हो कि आदित्य कोई बात नहीं, मैंने बहुत पढ़ाई की है, आई ट्राइड माई बेस्ट, कोई बात नहीं एग्जाम नहीं निकला तो, कोई बात नहीं ये चीज़ें नहीं हुई तो, बट जिंदगी भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और सबके लिए सब कुछ नहीं बना होता है, और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ मुझे पूरा भरोसा है कि मैं किसी की लाइफ ख़राब नहीं कर रहा हूँ, एंड गॉड इज़ विथ मी, आज नहीं कल मेरा भी समय आएगा, मेरा भी दौर आएगा। इस तरह अगर आप चीज़ों को समझते हो, सोचते हो, अपने आप को भी माफ़ करते हो ना, आप एक नेक्स्ट लेवल के इंसान बनते जा रहे हो, जो एक इंस्पायर करने के लिए बना है, जो दुनिया में चेंज लाने के लिए बना है। एंड मॉरी इस पर एक चीज़ और ऐड करते हैं, दैट वन मोर थिंग ही एडेड, ही इज ट्राइंग टू बिकम अ मोर सेल्फ लवर एंड अ लेस परफेक्शनिस्ट। मतलब आप अपने आप से प्यार करना सीखिए, आप आज में जी रहे हैं ना, आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप लगे हुए तो हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परफेक्शनिस्ट के पीछे नहीं भागे, बिकॉज परफेक्शनिज्म पहले तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज दुनिया का साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स ने क्लियरली कह दिया है, दुनिया इम्परफेक्ट है, दुनिया में हर चीज़ें इम्परफेक्ट है, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज़ हो, कुछ भी चीज़ें हो, एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट। हमें दिखता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि अर्थ गोल है, राउंड है, हाँ दूर से हमें गोल दिखेगा, बट क्लोज में जाओ इतने सारे ऊबड़ खाबड़, जैसे प्लेट्यूज, माउंटेंस, वैलीज के चक्कर में वो कभी गोल दिखेगा ही नहीं। दिस इज़ द रियलिटी। हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई सफरिंग नहीं, बढ़िया जॉब, बढ़िया लाइफ, बढ़िया वाइफ, बढ़िया चीज़ें, बढ़िया कार। बट बुद्धा जो बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे, जब उन्होंने इन चीज़ों को मान लिया दैट सफरिंग इज द ह्यूमन बीइंग नीड, ह्यूमन चाहे ना चाहे उसको सफरिंग तो मिलने वाला है, चाहे वो ऑडी में रोए, चाहे वो रोड पे रोए, बट यही कि सफरिंग को अगर आप पर्पस दे दोगे तो आप कभी एक पर्पस के साथ आप उतना बुरा फील नहीं करते हो। तो गिव सफरिंग योर पर्पस और लोगों को माफी करना सीखे। इस पर मुझे बहुत अच्छी एक बुक है, आपने शायद पढ़ी होगी, द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बाय विशेन लखियानी, अमेजिंग राइटर है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि मेडिटेशन करने वक्त ना, जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक रूल बताया उन्होंने कि 6 चीज आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, पहला कंपैशन, दूसरा ग्रैटिट्यूड, तीसरा फॉरगिवनेस, चौथा द परफेक्ट डे, पांचवा द परफेक्ट फ्यूचर, छठा इज योर ब्लेसिंग्स। मैं अभी सबके अंदर नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल हो जाएगा, मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो बना रखा है, 6 फेज ऑफ मेडिटेशन, आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं भी डेली बेसिस पे, देखो तीसरे नंबर पे फॉरगिवनेस आ रहा है, तो मैं ना डेली बेसिस पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करता हूँ, जिसको भी मुझे माफ़ करना है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, ये बात मैं जानता हूँ, इवन आपके साथ भी, आपको लगता होगा कि आदित्य आप नहीं जानते हो कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मैं नहीं इसको माफ़ कर सकता हूँ। बट क्या हो कि मैं आपको फिर से कहूँ, उनको माफ़ कर दो, जाने दो, जाने दो, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ इससे उनका फ़ायदा नहीं है, इससे आप अपना फ़ायदा कर रहे हो। एक्चुअली में जब आप किसी को जाने देते हो ना, तो आप अपने दिल के सारे ग्रजेस को जाने देते हो, ग्रजेस या जो भी चीज़ें आप लेके होल्ड करके बैठे हो उस इंसान को लेके, आप बोलते हो जाओ सब चीज़ें मुझसे ये चीज़ें मुझसे दूर रहें, मैंने माफ़ किया तुमको, तुमने जो भी किया मैं तुमको माफ़ करता हूँ, बिकॉज अब मेरे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है। लेकिन क्या हो अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे, तो आपके दिल में उनको लेके एक एक पेन रहेगा, एक खुन्नस रहेगी कि मैंने उसको माफ़ नहीं करूंगा, मैं वो मेरे साथ ऐसा करता है ना, पूरे दिन को लेकर सोच सकते हो, पूरा कभी कभी महीने में थॉट्स आ सकते हैं। इट्स बेटर टू लीव देम, बिकॉज जिंदगी में, मैंने पहले भी कहा, ईगो अटैचमेंट कैन किल यू, बट व्हेन यू आर फ्री यू आर अ बेस्ट पर्सन हु इज लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। चौथा, लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। अगर मैं बात करूँ किसी जानवर की, तो वो भी खा रहा है, पी रहा है, सेक्स कर रहा है, इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, बट हम किसी जानवर से अलग कैसे हैं? बिकॉज हमारे पास एक पर्पस है, हमारे पास एक मीनिंग होनी चाहिए, जिंदगी को हमेशा एक मीनिंग के साथ जीना है। इस पर मैंने एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट शेयर किया, आपको देखना भी चाहिए, मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसमें विक्टर फ्रैंकल की कहानी है, जिसने जिंदगी की सारी हदें देखी है, कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, जब हिटलर के द्वारा उन पर बहुत सारी क्रूरता की गई, बट उन्होंने उसके बीच में भी अपने जीने का मकसद ढूंढा। और हम इंसान जिसके पास अच्छा खाना, सोने को, बोलने को, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ क्लिक, ऑन अ बटन, स्टिल वी आर एवरी टाइम कंप्लेनिंग, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी के साथ एक पर्पस सेटल करना होगा, एक मीनिंग लानी होगी, चाहे वो करियर गोल हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स गोल हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल गोल हो सकते हैं, चाहे वो आपको जिम जाके बॉडी बनाना हो सकता है, एनीथिंग, एक पर्पस के साथ जीना सीखिए, बहुत मज़ा आता है, बिलीव मी, एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। और यहाँ मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है, सोसाइटी को बेहतर बनाने पर आपको फोकस करना है। आपको मैंने पहले भी इस पर बताया कि क्या आप एक गिवर हो या एक टेकर हो। एक टेकर
बहुत ही मतलबी इंसान होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैं, मेरा कैसे फ़ायदा हो, मेरा कैसे सैलरी आए, मेरी फैमिली ठीक है ना, मैं करता है। वो एक गिवर होता है जो लोगों की मदद करता है, जो समाज को बढ़िया बनाने में हेल्प करता है, जो इस देश को, जो इस संसार को बढ़िया जगह बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि एलन मस्क के एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज ट्राइंग फॉर द ह्यूमैनिटी। वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी मार्स पे कॉलोनाइज करे। वो ऐसी दुनिया दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ अर्थी रहने की जगह नहीं है, इससे बाहर भी सोचा जा सकता है। तो इस तरह के लोग इतिहास रचते हैं। तो आपको भी गिवर बनना पड़ेगा, आपको भी एक पर्पस बड़ा ढूंढना होगा। जैसे कि मैंने भी अपना वाई शेयर किया है कि मेरा वाई है टू हेल्प इन रियलाइजिंग पीपल ट्रू पोटेंशियल, और ये मुझे हर दिन चार्ज करता है, हर दिन मुझे टाइम पे उठाता है, हर दिन मुझे मोटिवेट रखता है। बिकॉज पर्पस बहुत बड़ा है, पर्पस छोटा नहीं। जितना डीप आपका पर्पस होगा उतना डीप आप मेहनत करोगे। अगर छोटा पर्पस रखोगे कि रिया को पटाना है, पिया को पटाना है, तो आपका छोटी चीज से आपको बस प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर देगी, और आप एक डीमोटिवेट इंसान की तरह जियोगे जिंदगी को। क्योंकि जीना तो एक जानवर भी कर रहा है, मैंने पहले भी कहा। हैव अ पर्पस, बड़ा पर्पस ढूंढे, लोगों के लिए ढूंढे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, एक दुनिया को बेहतर जगह बनाने में मदद करे। और यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े चैरिटीज करने हैं, डोनेशंस नो, किसी भी तरह मदद कर सकते हो। आप एक जॉब भी अच्छा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं देश की मदद कर रहे हो, इकोनॉमी को बड़ा करने में, चीज़ों को अच्छा करने में। तो इस तरह का बड़ा सोच रखे आप, तो आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी करते चले जाओ। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे फील हुआ, मौरी कहते हैं कि काइंडनेस जो है, काइंडनेस वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को गिफ्ट की गई है। मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे हम जैसे भी हालात में हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो, बट स्टिल हम लोगों पे काइंड रह सकते हैं, हम सिचुएशन पे काइंड रह सकते हैं। आप सोच के देखो कि जब आप किसी को अच्छा फील कराते हो तो आपको भी कितना अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी से बहस करके आ जाते हो, किसी को नीचा दिखाते हो। और अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको दिल में बुरा तो लगता है कि यार अच्छा नहीं किया, नहीं बोलना चाहिए था, मुझे आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये होता है, लोगों के साथ हमेशा काइंड रहें। वॉर से कभी भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई है, ये हिस्ट्री ने प्रूफ किया हुआ है। हर वक्त जब भी लोग काइंड रहते हैं, जब भी लोग अच्छे रहते हैं, तभी जाके चीज़ें अच्छी होती चली जाती हो। आप देख पा रहे होंगे लास्ट 70-80 साल में बहुत मेजर वॉर्स नहीं हुए हैं, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो हर देश एक अच्छे लेवल पर तरक्की कर रहा है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफ्रीका इवन हो, चाहे बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, हर कोई पीस में अच्छे से आगे बढ़ पा रहा है। इट्स अ सुपर पावर, बिलीव मी। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, ज़्यादा काइंड नहीं होना चाहिए, बट यू शुड बी। जहाँ ज़रूरत नहीं है आपको एग्रेसिव नेचर दिखाने की, वाई इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लोग नेगोशिएशन भी सीखिए, लोगों के साथ कैसे अच्छे बिहेव करना है, अच्छी चीज़ें पे डिसाइड करना है, काइंड रहना है। इट्स अ सुपर पावर। और जब भी मेरा ये गोल्डन रूल है जो नवल रविकांत सर ने भी शेयर किया था, दैट आपको जब भी लगे ना दैट ईगो आप पे हावी हो रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, तो अपने आप को इमेजिन करना कि एक पीस ऑफ ब्लू स्टोन है ना, उस पर आप फ्लोट कर रहे हो, दैट इज इन द इनफिनाइट यूनिवर्स। इसको मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। जब भी आपको लगे कि ईगो आप पे हावी हो रहा है, थिंक लाइक यू आर अ डांसिंग मंकी ऑन अ पीस ऑफ अ ब्लू स्टोन विच इज फ्लोटिंग इन दिस इनफाइनाइट यूनिवर्स। हमें क्या है, हम एक बस नीले टुकड़े पे बस एक बंदर की तरह है। हमारी ईगो हमें क्या बोलती है, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला। बट जिस दिन आप समझ जाओगे मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू मतलब ये नहीं कि आपको वैल्यूलेस अपने आपको समझना है, मेरा मतलब है कि एक झटके में कुछ भी हो सकता है, एक अर्थक्वेक हम खत्म, एक बड़ा सा कुछ ट्रेजेडी, वी आर ओवर। बट वाई क्वेश्चन इज कि हम फिर ईगो रखते क्यों हैं। हमें यही समझना पड़ेगा कि हम एक नीले से पत्थर पे बस तैर रहे हैं, हवा में, इनफाइनाइट यूनिवर्स है जिसका कोई एंड नहीं है, और ऐसे अर्थ जैसे प्लैनेट, मतलब करोड़ों प्लैनेट्स है, यू कैन से करोड़ों, हो सकता है बहुत सारी दुनिया भी बसी हो। तो अपने ईगो को नीचे रखे और जीना सीखे, लोगों को माफ़ करना सीखे, आगे बढ़ते चले जाएँ। दिस इज द रियलिटी। इस पर एक मौरी चीज़ें ऐड भी करते हैं। इन लाइट ऑफ दिस माई विजिट विथ मौरी फिट लाइक अ क्लेजिंग रेंज ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो आपको ह्यूमन काइंडनेस को समझना पड़ेगा और इसी पर काम करना पड़ेगा। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है, आप देख पा रहे होगे कंटेंट क्वालिटी। और ऐसे पॉडकास्ट आप फ्यूचर में चाहते हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब सब्सक्राइब कर सकते हो और घंटा यानी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसे पॉडकास्ट को मिस ना करो और सबसे पहले आपके पास आए। आप चाहो तो हमें शॉर्ट वीडियोज के लिए हमारे रील्स को चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दे आर ऑल्सो लाइफ चेंजिंग, एक बार देखो एंड यू कैन थैंक अस लेटर। शेयर करना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गिवर वर्सेस टेकर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, एक और लर्निंग के साथ, एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।